बेटा बहू से यही आग्रह है कि जो पेशेंट आए उनको भगवान का रूप मानना, उनकी सेवा तुम्हारे लिए भगवान की पूजा बन जाए, बेहतर ढंग से तुम्हारी की काम करे। और कोई गरीब आ जाए तो उसको भी बिना इलाज के कभी मत लौटाना, कोई ना कोई व्यवस्था ऐसी करना कि कुछ गरीबों का इलाज यहाँ निश्चित तौर पर हो सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ये शब्द नरसिंहपुर में भाजपा सांसद राव उदय प्रताप सिंह द्वारा अपने पिता की स्मृति में बनाए गए लक्ष्मी नारायण मेमोरियल हॉस्पिटल का लोकार्पण के दौरान कहे गए थे। लेकिन लोकार्पण के 4 महीने बाद ही हॉस्पिटल ने गरीबों से लूट मार शुरू कर दी। हॉस्पिटल ने एक मृत गरीब महिला का इलाज कर दिया और परिजनों को लाखों का बिल थमा दिया। 90,000 से 1,00,000 के ऊपर इतनी हम लोग दवाई ले चुके हैं और अभी उनकी डेथ हो गई है। उसके बाद भी बोल रहे हैं कि 12,700 रुपए आपको पे करना पड़ेगा, यदि आप पे नहीं करोगे तो आपको बॉडी नहीं दी जाएगी। दरअसल गोटेगांव से आई रविता सिलावट की मौत के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। रविता सिलावट की तबीयत खराब होने के बाद लक्ष्मी नारायण मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि रविता सिलावट को एडमिट करने के कुछ समय बाद ही उसकी मौत हो गई थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर मृत शरीर का इलाज कर रहे थे। परिजनों ने बताया कि 24 घंटे से भी कम समय में हॉस्पिटल ने लगभग 1,00,000 से अधिक का बिल थमा दिया और वहां के सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा गाली गलौज भी की गई। इस दौरान मृत रविता सिलावट के ही परिवार की एक महिला हॉस्पिटल परिसर में चक्कर खाकर गिर गई। वहीं हॉस्पिटल प्रबंधन ने भी पूरे मामले में अपनी सफाई दी है। पेशेंट कल मॉर्निंग में हमारे पास 3:30-4 बजे के आसपास एडमिट हुए थे। बहुत क्रिटिकल पेशेंट में पेशेंट यहाँ लाई गई थी। इससे पहले वो जिला अस्पताल लेके मरीज को गए थे, वहाँ से पेशेंट को वहाँ पे मैनेज ना होने के कारण पेशेंट को हायर सेंटर फॉरवर्ड किया गया था कि वहाँ पे जाके इलाज कराना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। उसके बाद पेशेंट को परिजन हमारे अस्पताल में 3:30 बजे के आसपास लेके आए थे। हॉस्पिटल में इमरजेंसी ड्यूटी डॉक्टर्स एंड इमरजेंसी स्टाफ ने उनको तुरंत एडमिट करके पेशेंट की हालत के बारे में पूरी जानकारी दे के समझा के ICU में भर्ती किया था और तुरंत ट्रीटमेंट चालू किया गया था। मरीज की हालत बहुत गंभीर थी। मरीज मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन में था जिसमें कि अलग अलग शरीर के अंग शटडाउन होना स्टार्ट हो गए थे। मरीज को लगभग पिछले 8 से 10 दिन से लगातार बीमारी थी, लेकिन हमारे पास जब मरीज लाया गया था तो उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर थी। सर वो बिल्कुल गलत आरोप है। इस प्रकार हमारा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन रहता है सारे स्टाफ को कि कुछ भी हो जाए, अब मैं बात करूंगा रिलेटिव से, किसी के साथ कोई बदतमीजी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। स्टाफ को भी ऐसा नहीं कर सकता। नरसिंहपुर से संजय दुबे की रिपोर्ट।